हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं निसान मैग्नाइट और मारुति सुजुकी स्विफ्ट के बारे में, इनके कंपैरिजन के बारे में। आप गाड़ी लेने जाते हो तो सबसे पहले उसकी प्राइस देखते हो कि दोनों गाड़ियों का, मतलब किसी भी गाड़ी का प्राइस क्या है। तो जो निसान मैग्नाइट का बेस वेरियंट आता है वो आता है 5,51,000 का बेस वेरियंट एक्सी, और जो निसान मैग्नाइट का टॉप एंड वेरियंट है वो आता है 10.66,000 का, 10,66,000 का। और जो स्विफ्ट का आता है बेस वेरिएंट तो वो आता है 5,69,000 का। तो इनके बेस वेरिएंट में मैं आपको डिफरेंस बताऊं तो 15,000 से 20,000 का जो स्विफ्ट है, 15,000 से 20,000 रुपये आपको महंगी पड़ेगी। और इसी तरह ही इसका टॉप एंड वेरिएंट है, टॉप एंड वेरिएंट पे जाके आपको थोड़ा सा ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। जो थी अपनी मैग्नाइट थी वो 10,66,000 की थी, और अपनी जो स्विफ्ट है यह है 8.95 लाख। तो यहाँ पर आपको देखने का 1.5 लाख तक का इसमें आपको अंतर देखने को मिलेगा इनका टॉप एंड वेरिएंट में। तो इन दोनों गाड़ियों की मैं सबसे पहले आपको फ्रंट में से बात करूं तो जो ये निसान मैग्नाइट आपको देखने में ज्यादा बोल्ड और मस्कुलर लगेगी, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कि मैं आपको कंपैरिजन कर रहा हूं कि भाई ये तो हैचबैक ले ली, ये एसयूवी ले ली, कॉम्पैक्ट एसयूवी ले ली, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं आपको एक, मतलब उस प्राइस पॉइंट में आपको एक प्रॉपर चॉइस क्लियर हो पाएगी कि आपको मारुति सुजुकी स्विफ्ट कंसीडर करनी चाहिए या फिर निसान की मैग्नाइट कंसीडर करनी चाहिए। तो जैसे इन दोनों गाड़ियों को फ्रंट में देखोगे तो मैंने बताया था मैग्नाइट आपको ज़्यादा बोल्ड और मस्कुलर सी लुक देगी, और जो स्विफ्ट है वो भी इतनी, मतलब ज़्यादा बोल्ड सी लगती है, बट वो कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं है। तो थोड़ी सी अपने हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। दोनों ही गाड़ियों में आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलती हैं, दोनों ही वाइट में ग्लो करती हैं, बट जो मैग्नाइट के अंदर वो बाई चैम्बर एलईडी प्रोजेक्टर लाइट्स आती हैं, और इसमें आपको एलईडी में ही फॉग लाइट्स मिलती हैं, और एल शेप में इसमें आपको देखने में डीआरएल्स मिलेंगे, बट इसके अंदर आपके हेडलाइट के नीचे ही ग्लो करते हैं, और जो इसकी फॉग लाइट वो आपको हैलोजन बल्ब के साथ मिलती है। तो इनकी मैं साइड प्रोफाइल की बात करूं तो जो निसान की मैग्नाइट है वो 3994mm की है, और जो अपनी स्विफ्ट है वो 3840mm की है। तो जाहिर सी बात है वैसे देखने में भी आपको जो मारुति सुजुकी स्विफ्ट है वो आपको छोटी लगने वाली है, बट जैसे इन दोनों गाड़ियों की मैं विड्थ की बात करूं तो विड्थ में जैसे अपनी जो निसान की मैग्नाइट है वो 1758mm की है, और जो स्विफ्ट है वो 1735mm की है। तो इनकी विड्थ में कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है, जाहिर सी बात है इसकी जो निसान मैग्नाइट है उसकी हाइट आपको ज्यादा मिलेगी, ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको निसान मैग्नाइट का ज्यादा मिलेगा। अब जैसे इन दोनों गाड़ियों की मैं टायर्स की बात करूं तो जैसे अपने स्विफ्ट है, स्विफ्ट के बेस वेरिएंट में आपको 14 इंचेस के टायर्स मिलते हैं स्टील रिम्स के साथ, और जिसका VXI वेरिएंट आता है उसमें भी आपको स्टील रिम्स ही मिलते हैं, बट उसके अंदर व्हील कवर्स आ जाते हैं 14 इंच के। अब जैसे निसान मैग्नाइट में आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको 16 इंचेस के ही टायर्स मिलते हैं, चाहे इसका बेस वेरिएंट लो चाहे इसका टॉप एंड वेरिएंट लो। पर टॉप एंड वेरिएंट में क्या है, वहाँ पे आपके डायमंड कट के अलॉय व्हील्स आ जाएंगे, जो इसका XV प्रीमियम वेरिएंट है उसमें आपके डायमंड कट अलॉय व्हील्स आएंगे। स्विफ्ट के अंदर आप जैसे देख पा रहे होंगे इस तरह की है, ये VXI वेरिएंट है, तो इसके अंदर जैसे व्हील कवर चढ़े हुए हैं ये ब्लैक कलर के हैं, बट बेसिकली ये आते सिल्वर कलर में है। तो जैसे इसका ZXI लोगे वहाँ पे आपके इसके सिल्वर फिनिश के अंदर आते हैं स्विफ्ट में, और जैसे इसका ZXI प्लस लोगे तो वहाँ पे आपके इसके डायमंड कट के अलॉय व्हील्स आते हैं। साइड प्रोफाइल में ज़्यादा अट्रैक्टिव तो मुझे ये मारुति सुजुकी की स्विफ्ट ही लग रही है, क्योंकि यार स्विफ्ट का तो काफ़ी पहले से चलती हुई आ रही है, तो स्विफ्ट का कोई तोड़ ही नहीं है अब तक में। तो बाकी अलग अलग लोगों की अलग अलग चॉइसें होती हैं। अब मैं बैक प्रोफाइल में बात करूं तो जो निसान मैग्नाइट है इसमें जैसे आप टेल लाइट जो है कि आपकी हेलोजन बल्ब के साथ आती है टॉप एंड वेरिएंट में, पर स्विफ्ट के अंदर आपको बेस वेरिएंट में भी एलईडी में टेल लाइट्स मिल जाती है, और ये पर्टिकुलर वेरिएंट VXI है तो इसके अंदर भी आपको ये एलईडी में ही टेल लाइट्स दे रखे। बट जैसे आप ऊपर इसमें स्पॉइलर देख रहे होगे, ये ब्लैक कलर का ये मतलब एसेसरीज का पार्ट है, ये इसके अंदर नहीं आता है, तो आपको सिंपल ही मिलती है। बट जो अपनी निशान की मैग्नेट है ये टॉप एंड यूनिट है, तो इसके अंदर आपको पीछे स्पॉइलर देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है बूट स्पेस अपना निशान मैग्नेट का ही ज़्यादा मिलेगा। अब इन दोनों गाड़ियों के इंटीरियर की बात कर लेता हूँ तो सबसे पहले आप जैसे निशान मैग्नेट में देख पा रहे होंगे जो इसका इंटीरियर है वो आपको देखने में इतना अच्छा नहीं लगेगा, और जैसे इसकी क्वालिटी है वो भी इतनी अप टू मार्क नहीं है। पर जो स्क्रीन का साइज है वो आपको मारुति सुजुकी से थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, बट इसके अंदर जैसे धूप वगैरह में जाओगे तो ये इसमें आपको ग्लेयर फील होगी, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन करेगा। ये दोनों गाड़ियों में पुश बटन पावर स्टार्ट मिल जाता है, बट इसमें आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलता है। जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख रहे हैं ये आपको डिजिटल के अंदर दिया हुआ है। अब जैसे आप स्विफ्ट के अंदर देख रहे हैं तो इसका जैसे आप इंटीरियर देखेंगे तो आपको ज्यादा प्रीमियम और ज्यादा अच्छी क्वालिटी के लगेगा एज कंपेयर टू निसान मैग्नाइट, और देखने में भी आपको आई मतलब देखोगे तो भी आपको स्विफ्ट का इंटीरियर ज्यादा
अच्छा लगेगा। स्क्रीन का साइज हाल बेशक ही छोटा हो बट वो उसके अंदर आप धूप वगैरह में जाओगे तो इतनी चमक वगैरह उसके अंदर नहीं आएगी। दोनों ही गाड़ियों में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाते हैं, पर निसान मैग्नेट में एक प्लस पॉइंट है कि इसका जो XL वेरिएंट आता है उसी से आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएंगे। दोनों ही गाड़ी 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है, जो मैग्नेट का गियर आपको देखने में इस टाइप का मिलेगा और जो स्विफ्ट का गियर है वो देखने में आपको इस टाइप का मिलेगा। जो मैग्नेट और स्विफ्ट है दोनों ही आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों के अंदर अवेलेबल हो जाएगी, बट जो स्विफ्ट के अंदर जो गियर बॉक्स आता है वो आता है AMT, बट जो मैग्नेट के अंदर आता है वो आपका टॉर्क कन्वर्टर के साथ आता है। तो इसके अंदर एक ये पॉजिटिव पॉइंट है कि इसके अंदर टॉर्क कन्वर्टर के साथ ट्रांसमिशन है। और जो इसका आर्मरेस्ट है वो आपको निशान की सिर्फ मैग्नेट के अंदर मिलता है, स्विफ्ट के अंदर आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। अब मैं पीछे की बात करूँ तो दोनों गाड़ियों में जैसे मैं स्पेस की बात करूँ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है स्पेस, तो स्पेस आपको मारुति सुजुकी की स्विफ्ट में ज़्यादा लगेगा। अब जैसे मैग्नेट में देखोगे तो मैग्नेट में एक प्लस पॉइंट है कि इसमें आपको पीछे एयर के वेंट्स मिल जाते हैं, आर्मरेस्ट मिल जाता है, ये चीज़ आपको स्विफ्ट के अंदर नहीं मिलते जो इसका पीछे एयर का वेंट्स। तो अगर मैं इन दोनों गाड़ियों की सेफ्टी की बात करूँ तो भाई गाड़ी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सेफ्टी। तो अगर आपको सेफ्टी एंड जो क्वालिटी चाहिए आपको, तो आपको मारुति सुजुकी की स्विफ्ट ही कंसिडर करनी चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी आपकी अपनी चॉइस हो सकती है। और जैसे आपको थोड़े बहुत फीचर्स ज़्यादा चाहिए, थोड़ा सा दिखावटी माल जैसे है, तो ये निशान की मैग्नेट थोड़ा सा दिखावटी है, बाकी अपनी आप मारुति सुजुकी की स्विफ्ट ही कंसिडर करें। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे नई चीज़ आई है तो चमक चांदनी इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, बाकी स्विफ्ट ओल्ड एंड गोल्ड है। तो गाइज अगर आपको इसका प्राइस देखना है इन दोनों गाड़ियों का तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करें, वहाँ पे भी आपको दोनों आईडियो में आपको इन दोनों गाड़ियों का एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस मिल जाएगा। और जैसे इन दोनों गाड़ियों की मैं आपको इंजन ऑप्शन की बात करूँ तो स्विफ्ट के अंदर आपको एक ही इंजन ऑप्शन आता है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 82 BHP, और अपना जो निशान की मैग्नाइट है इसके अंदर भी एक इंजन आता है 1 लीटर का, बट वो आपको टर्बो के अंदर एंड नॉर्मल के अंदर दोनों के अंदर मिल जाएगा। जो नॉर्मल आएगा वो 71 BHP प्रोड्यूस करेगा, ये 3 सिलेंडर इंजन है, और जो स्विफ्ट के अंदर आता है वो 4 सिलेंडर इंजन है। तो ये जो मैग्नेट है वो 71 BHP प्रोड्यूस करेगा, और जो इसका टर्बो वाला आएगा वो 1 लीटर के अंदर ही आएगा, वो 99 BHP प्रोड्यूस करेगा। इन दोनों गाड़ियों की मैं एवरेज की बात करूँ तो जो अपनी मैग्नेट है वो आपको हाईवे पे मतलब निकाल के दे देगी 16 से 17 अप्रोक्स, इतनी ही निकाल के देगी, इससे ज़्यादा नहीं निकालेगी, क्योंकि कंपनी इसकी जो एवरेज 18 की ही क्लेम करती है, तो ये मतलब ARI के अकॉर्डिंग होती है। तो और जो स्विफ्ट की एवरेज है वो 21 क्लेम करती है, तो वो आपको 18 टू 19 आराम से निकाल के दे देगी। तो गाइज ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स इन दोनों गाड़ियों के बारे में, तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसी के साथ चलते हैं, टेक केयर एंड बाय।